नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रावण सीएलसी सीकर से, मेरे साथ मेरे सीनियर बोटनी के सीनियर फैकल्टी सर्वेश जी यादव। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप चर्चा करने जा रहे हैं एसटीएससी 2022 स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जाम 2022 जो 10th और 12th क्लास के बच्चों की होती है, उसके वीडियो सॉल्यूशन से पहले आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये एग्जाम आज 18 दिसंबर को हुआ है, एक अच्छा एग्जाम बच्चों का गया। निश्चित रूप से आपने इसकी अच्छी प्रिपरेशन की है। ये एग्जाम मूल रूप से वो बच्चा देता है जो प्री फाउंडेशन का बच्चा होता है। तो आपकी सीएलसी किस प्रकार से प्रिपरेशन कराती है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। सीकर में हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन लेते हैं, 11, 12, 13 नीट और जेई और एनडीए के कोर्सेज लेते हैं। सीकर में अपना खुद का स्कूल है सीबीएसई का, सीएलसी इंटरनेशनल स्कूल, जो 26 जनवरी 2023 बसंत पंचमी से अगले साल के एडमिशन वहां स्टार्ट हो रहे हैं। राजस्थान बोर्ड का स्कूल अपना केवीएम है, कहने की बात ही नहीं है। तो सीकर में हमारा खुद का अपना स्कूल है सीबीएसई का, आरबीएसई का, नीट के लिए, जेई के लिए, एनडीए के लिए, और कहां से, 6th क्लास से। तो आप केवल स्कूल कराना चाहते हो तो आप स्कूल डाल सकते हो। आपको प्री फाउंडेशन कराना है, फाउंडेशन कराना है, टारगेट है, तो जुड़ सकते हैं सीएलसी के साथ। इसी के साथ अलवर हमारा खुद का सेटअप है, जहां हमारा खुद का स्कूल है केवीएम, वो राजस्थान बोर्ड का है, वहां 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन है, 11, 12, 13 नीट और जेई दोनों कोर्स चलते हैं। कोरोना से पहले आप जानते हैं जयपुर सेंटर था हमारा, कोरोना में उसको हमने पोस्टपोन कर दिया था, तो 26 जनवरी 2023 बसंत पंचमी के दिन वापस उसको हम रीलॉन्च कर रहे हैं, रीओपन कर रहे हैं। वहां भी 8, 9, 10 चलेगा प्री फाउंडेशन, 11, 12, 13 नीट और जेई दोनों पे चलेगा। हाँ, सीकर में प्री फाउंडेशन 6, 7, 8, 9, 10 से है, अलवर जयपुर में 8, 9, 10 से। तो जुड़े सीएलसी के साथ, एक अच्छे इंस्टीट्यूट जहां प्रॉपर बच्चों के साथ मेहनत करके जिसने एक पूरे सीकर को पहचान दी, एक व्यवस्थाओं के साथ, इसका अपना खुद का स्टडी मटेरियल, खुद की टेस्ट सीरीज, एक अच्छी योग्य सक्षम टीम, एक सक्षम मैनेजमेंट के साथ ये काम करती है। दोस्तों देखें वीडियो सॉल्यूशन एसटीएससी 10th क्लास का भी और 12th क्लास का भी, ठीक है डियर। और अगले सेशन के सारे एडमिशन का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी 2023, उसने बसंत पंचमी है, उस दिन से नए सेशन के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। आप सीकर आए, विजिट करें, अलवर जयपुर सीकर विजिट। हाँ, जयपुर का एड्रेस आप जानते हैं, वो गोपालपुरा बाईपास पे जो पहले हमारा सेंटर था उसके पास ही बिल्डिंग हमने ली है, अलवर सेंटर आप जानते ही हैं, सीकर वेल नोन एड्रेस अपने आप में है। ओके दोस्तों नमस्कार। हेलो डियर स्टूडेंट, माई नेम इज नीलेश प्लानिया, आई एम वर्किंग एज एकेडमिक हेड एट सीएलसी प्री फाउंडेशन सीकर। आज हम एसटीएससी की वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जिसमें मैट का पेपर, आइए देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कॉर्ड लैंग्वेज वॉक इज रिटन एज UYJI -2, -2, -2 और -2। तो यहाँ से ये -2 करते हैं तो R, ये -2 करते हैं C, ये -2 करते हैं P और ये -2 करते हैं K। तो आंसर आ जाएगा RCPK, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ R इज 18, रोड को 38 मतलब 18 + 15 + 1 + 4 तो ये हो जाएगा 520 और 38 हो जाएगा, तो यहां से ये आ जाएगा 16 + 15 + 14 + 4 तो ये आ जाएगा 40 मतलब 49, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। Which of the following Venn diagram correctly represent the relation between the quadrilateral, rectangle and square? Then we know that the every square is a rectangle and quadrilaterals. So option number first is a right answer. Which of the following Venn diagram correctly represent the relation between the pet, dog and cat? So option number second is a right answer. इसमें एक controversial answer रहता है जो first को भी consider करता है, but अगर हम लोग देखें तो यहाँ से some cats and some dogs is known as pet. We never say that all cats and dogs are pet. ठीक है, तो आंसर हमारी तरफ से रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड। इफ एट 12 o'clock द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक पॉइंट ईस्ट एट 4:30 इन विच डायरेक्शन विल आवर एंड ऑफ अ क्लॉक पॉइंट। मतलब सीधी सी बात है, यहां से ये है 12, ये है 3, ये है 6 और ये है 9। इसके अंदर सबसे पहले कह रहा है एट 12 o'clock, मतलब 12 o'clock पे मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक पॉइंट ईस्ट, तो 12 बजे जो मिनट हैंड होगी वो यही होगी यहाँ से, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ईस्ट, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट, फिर ये कौन सी हो जाएगी नॉर्थ और ये कौन सी हो जाएगी साउथ। देन एट 4:30 मतलब 4:30 पे इन विच डायरेक्शन विल द आवर एंड, आवर एंड 4:30 पे मतलब यही रहेगी, तो ये वाले डायरेक्शन हो जाएगी साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, कमल स्टार्ट फ्रॉम हिज प्लेस हेडिंग ईस्ट
वॉक 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर वो चल रहा है, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, आफ्टर दिस ही टर्न्स राइट एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ, अब वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, आफ्टर दिस हेडिंग नॉर्थ एंड वॉकिंग 4 किलोमीटर. तो यहां से 4 किलोमीटर चले, मतलब वो वापिस इनिशियल पोजिशन में पहुंचेगा. हाउ फार इज, ये फार है बेटा एफ ए आर, फार इज कमल फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजिशन, तो यहां से आंसर आ जाएगा 0 किलोमीटर, क्योंकि वो वहीं से तो है, इनिशियल पोजिशन पे वापिस पहुंच गया है. नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, each of the following questions are letter number series in a given one and two terms missing shown by the question mark, this term s is r, one of the four alternative given under it, find the correct alternative. series ka question, sabse pehle 5 to 7 7 or 1 8 8 to 10 10 11 12, fir 11 or 2, kyunki 5 to 7 8 to 10, matlab yahan se 12 or 2 ho gaya, 14 14 15 16 17, वन लेटर टू लेटर थ्री लेटर फोर लेटर, फिर 17 to 19 19 20 21 22 23, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट यहां से है ए बी सी डी ई, और ये तो बन गया एफ, प्लस टू प्लस टू प्लस टू, तो 8 + 2 होता है जे, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट है ए प्लस वन बी, बी प्लस प्लस वन प्लस टू, फिर प्लस थ्री, मतलब जी आ जाएगा, और फिर जी में कितने ऐड करने हैं, प्लस फोर, तो के आ गया यहाँ से, फिर जेड माइनस थ्री, फिर यहाँ से ये हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस फोर, और यहाँ से माइनस फाइव कर देंगे तो 19 - 14, मतलब एन आ जाएगा, फिर यहाँ से 4 to 6 6 to 8 8 to 10, ऑप्शन आ जाएगा जी एन जे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर. परपेंडिकुलर को ये वाला टर्म कह रहे हैं, तो सबसे पहले ये वाला सेम क्वेश्चन अपने एसटीएससी 2018 में 10th क्लास में भी आया था, तो यहां से परपेंडिकुलर की ये दोनों लेटर्स को अगर मैं रिमूव करूं, फिर इनको रिवर्स में लिख रहा है, तो ये वाला एक लेटर बनेगा, फिर इन दोनों को हटाकर ये रिवर्स में बनाएगा तो ये वाला बन रहा है, फिर इन दोनों को हटाकर रिवर्स में बनाएगा तो यू सी आई डी एन ई पी बन रहा है. अब इन दोनों लेटर्स को हटा देते हैं तो बनेगा ई एन डी आई सी, तो बनेगा ई एन डी आई सी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास 2 3 5 7 11, ये हमारे प्राइम नंबर का एक सीरीज है, 11 के बाद 13, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर. ये वाला है 6 by 17, 13 by 38, 27, तो यहाँ से बन जाएगा 6 2 12 + 1 13, 13 2 26 + 1, 27 × 2 + 1 25, सॉरी 55, और 55 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 11 10, प्लस 1 किया तो 11 11, और 11 11 का ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट हमारे पास है 5, तो ये बन जाता है 50 by 9, ये बन जाएगा 25 by 4, फिर ये बन जाएगा 49 और 1 50 by 7, और ये बन जाएगा 25 by 3, इनको इक्वेशन इक्विवेलेंट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं इसे, तो ये बन जाएगा 50 by 9, ये भी बन जाएगा 50 by 8, फिर ये है 50 by 7, और इसको भी कर देते हैं तो ये बन जाएगा 50 by 2 कर देते हैं तो 50 by 6, 50 by 9 8 7 6, मतलब 50 by 5 कर दें, और ये आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट है 16 22 40, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 to 6, फिर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 8, अब कंसिडर कर लेते हैं 10, मतलब 40, फिर आगे है 12, फिर आगे है 14, तो आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो कंपेराइज टू स्टेटमेंट फॉलोड बाई टू कंक्लूजन नंबर 1 and 2, यू हैव टू अज्यूम बोथ द स्टेटमेंट टू बी द ट्रू इवन इफ दे सीम टू द डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सली नॉन फैक्ट्स, रीड बोथ द कंक्लूजन एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट डिस रिगार्डिंग नॉन फैक्ट्स. ये हमारे एक सेलोलिज्म का क्वेश्चन, सम मैंस आर लॉइन, सम मैंस आर लॉइन, ऑल लॉइन्स आर ट्री, ऑल लॉइन्स आर ट्री, फिर हमारे पास दिया फर्स्ट कंक्लूजन ऑल मैन आर ट्री, ऑल मैन आर ट्री रॉन्ग, सम ट्रीज आर मैन, सम ट्रीज आर मैन, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज अ राइट, ऑप्शन सेकंड इज अ राइट आंसर. सेम क्वेश्चन है
ऑल बुक आर स्टोरीज एंड ऑल स्टोरीज आर सॉन्ग्स. नेक्स्ट, All books are song is right. Or some songs are book. मतलब बहुत conclusion are right. Option number third is the right answer. Next question है हमारे पास, some apples are oranges and all oranges are not banana. First there are some apples are not banana is the right. Some banana as orange. तो ये वाला wrong. Only first conclusion is a right. नेक्स्ट क्वेश्चन है 18. If P means plus Q means minus R means multiply and S means divide then 24. S का मतलब यहाँ से है divided by 2. P का मतलब है plus 18. Q का मतलब है minus 8. R का मतलब है multiply by 2. और P का अगेन है 6. तो ये हो जाएगा 12 plus 18. ये हो जाएगा 16 plus 6. तो यहाँ से तो रहा 2. तो 14. 14 और 6 कितना हो गया? 20. ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 19. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अल्फा मीन्स क्या है? अल्फा मीन्स है इक्वल्स टू, बीटा मीन्स है ग्रेटर देन, गामा मीन्स है लेस देन और डेल्टा मीन है नॉट इक्वल्स टू. अब हमारे पास इसी के बेसिस पे इक्वेशन दी हुई है. फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है ए एक्स, गामा मीन है लेस देन बी वाई, इक्वेशन फर्स्ट. दूसरा है बी एक्स, अल्फा का मीन है इक्वल्स टू सी जेड, इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं. और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अल्फा, अल्फा का मीन इक्वल्स टू ए सी, इक्वेशन नंबर थर्ड. अब जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ गई बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू बी सी जेड. ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई. अब हम लोग ये वाली बी इक्वेशन नंबर थर्ड से हम लोग बी स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर देंगे, और पुटअप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी ए सी एक्स इक्वल्स टू बी सी जेड. तो हम लोग यहाँ से सी कैंसिल कर देंगे तो बचा हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू बी जेड. ये इक्वेशन हम लोग ए एक्स इक्वल्स टू बी जेड हमारे पास बच गई. अब ये वाली जो इक्वेशन नंबर फोर्थ है इसको पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करते तो ए एक्स को रख देंगे बी जेड, तो बी जेड लेस देन बी वाई, यही तो है ना. तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो जेड लेस देन वाई. अब लेस देन का मतलब क्या है? गामा. तो हमारे पास यहां से जेड लेस देन गामा, और उसका उल्टा कर सकते हैं बीटा, क्योंकि गामा का लेस देन का अपोजिट क्या है? बीटा. तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर. अब 20 के लिए एक बार डायरेक्शन हमें वहीं से लेनी पड़ेंगी. सबसे पहले मैं वो सिंबल ले लेता हूं. मेरे पास आई थिंक था एक अल्फा था जिसका मीन इक्वल्स टू था, एक बीटा था, एक गामा था. इनका सेंस एक बार वहां से देख लेते हैं. सबसे पहले क्या था? अल्फा का मतलब है इक्वल्स टू, बीटा का मतलब है ग्रेटर देन, बीटा का मतलब है ग्रेटर देन, और गामा का मतलब है लेस देन, गामा का मतलब लेस देन, और डेल्टा का मतलब है नॉट इक्वल्स टू. अब इक्वेशन बना लेते हैं. सबसे पहले ए बीटा का मतलब हो जाएगा बड़ा है दो सी से, इक्वेशन एक तो ये बन गई, और दो ए अल्फा का मतलब है इक्वल्स टू तीन बी, ये इक्वेशन दूसरी बन गई. अब जो पहली इक्वेशन है हमारे पास उसको सिंपली दो से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई दो ए बड़ा हो जाएगा चार सी से, ठीक है. फिर ये दो ए की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो दो ए को तीन बी बड़ा हो जाएगा किसे? चार सी से. तो b बड़ा हो जाएगा किसे? चार, फोर सी बाई थ्री. अब हमें पता है कि 133% c से ही बड़ा b है, तो बेसिकली हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि b ग्रेटर देन c, और b ग्रेटर देन c का मतलब यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? b ग्रेटर देन c, ऑप्शन नंबर फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन 21 भी उसी डायरेक्शन से एक बार हम लोग लिख लेते हैं. अल्फा का मीन है इक्वल्स टू, बीटा का मीन है ग्रेटर देन, और गामा का मीन है सॉरी बीटा का मीन है ग्रेटर देन, और गामा का मीन है लेस देन, और डेल्टा का मीन है नॉट इक्वल्स टू. सबसे फर्स्ट इक्वेशन है ए, अल्फा मतलब ए इक्वल्स टू बी, फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा है बी, बीटा का मतलब है बी ग्रेटर देन सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड. यही वाली तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है. अब हम लोग यहां से सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप कर देते हैं सेकंड की.
तो एक मिनट सबसे पहले देख लेते हैं इसको। यहाँ से मैंने वैल्यू पुटअप की, ये वाली वैल्यू ए और बी, और मुझे किस सेंस में चाहिए, तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ ए इक्वस टू बी और बी इक्वस टू ए, मतलब ए ग्रेटर देन सी, ये वाला वैल्यू हमारे पास बना। और ए ग्रेटर देन सी का मतलब यहाँ से हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डेल्टा ए ग्रेटर देन सी, ए नॉट इक्वस टू सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सी वापिस उसी इंस्ट्रक्शन से, तो अल्फा मीन्स इक्वस टू बीटा मीन्स, और एक था हमारे पास गामा और एक था हमारे पास डेल्टा, डेल्टा का मीन था नॉट इक्वस टू, गामा का मीन हम लोग एक बार देख लेते हैं, गामा का मीन था लेस देन, गामा का मीन था लेस देन और बीटा का मीन है ग्रेटर देन। तो सबसे पहले ए सी गामा का मीन है लेस देन बी सी, इक्वेशन फर्स्ट, वेयर एज ए एंड बी आर द पॉजिटिव नंबर एंड सी इज अ नेगेटिव नंबर। अब सबसे पहले कि सी यहाँ से नेगेटिव नंबर है हमारे पास, सी नेगेटिव नंबर है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है कि जब भी हम लोग इसे सी से सी कैंसिल करते हैं तो ये जो सिंबल है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा हमारे पास, और ए ग्रेटर देन बी ऑप्शन है सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। हम लोग सबसे पहले 7 पर्सन कंसिडर कर लेते हैं, 6 और ये 1, 7 इज नेबर ऑफ ई एंड डी, ई इज द नेबर ऑफ ए एंड डी, सी इज नॉट बिटवीन बी एंड जी, सी इज नॉट बिटवीन बी एंड जी, G is the immediate right of A. G is the immediate right of A. A के immediate right में. One person is between B and G. एक person होगा B और G के बीच में. इतना direction है हमारे पास. सबसे पहले तो ये A E D. तो A E D ये यहाँ जाएगा. फिर ये यहाँ से condition B और G के बीच में एक person होगा हमारे पास. तो B यहाँ तो नहीं आ सकता ना. ये तो E है हमारे पास. तो B कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और C इनके बीच में नहीं है तो C यहाँ होगा, तो A B C D E F और ये G. Who are the neighbor of B? B का नेबर कौन है, C F, C F मतलब F C, ऑप्शन नंबर सेकंड इज आंसर. Who is between B and G? उसी डायग्राम से देख लेते हैं, Who is between B and G? B and G के बीच में F, तो F ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, Who is the third to the right of A? ए के थर्ड राइट में हमें देखना है, तो ए के थर्ड राइट में होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब बी आंसर होगा इसमें, तो बी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में. नेक्स्ट, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ देखना है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट होगा जी, तो आंसर देंगे यहाँ से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ का मतलब होगा जी, ऑप्शन नंबर फोर. अब नेक्स्ट है, In each of the following questions given below, one question and two statement numbered first and second are given. You have to decide whether the data provided in the statement are the sufficient to the answer the question or not. Read both the statement and give the appropriate answers. What will be the day on the 16th of the month? मतलब 16th किसी भी month के 16th का day calculate करने के लिए हमें ये बताना है कौन सा सा. तो first day of that month is a मंडे, तो जब अगर हमें फर्स्ट डे, फर्स्ट डेट का अगर मंडे दे रखा है तो उसके बेसिस पे हम लोग 16 का कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ओनली फर्स्ट तो हुआ ही हुआ है, सेकंड सैटरडे ऑफ दैट मंथ इज होली, तो होली का तो हमारे पास यहाँ कोई डिस्कशन नहीं, मतलब सेकंड से नहीं कर सकते, तो ओनली फर्स्ट इज द सफिशियंट टू द आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. हु गॉट द हाइएस्ट मार्क्स अमोंग बी सी डी एंड ई, मतलब इनमें से सबसे पहले ज्यादा, सबसे ज्यादा मार्क्स किसने, सी गॉट मोर मार्क्स देन ए, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है सी गॉट मोर देन मार्क्स टू ए, तो फर्स्ट से तो नहीं पता लगा कि सबसे हाईएस्ट कौन होगा. डी गॉट लेस मार्क्स देन ए, अगर सेकंड की मैं बात करूं तो डी गॉट लेस मार्क्स देन ए बट मोर मार्क्स देन बी, तो मतलब ओनली सेकंड से भी नहीं पता लगा कि कौन है. अगर मैं इन दोनों को भी मर्ज करता हूं तो फिर मेरे पास सी ए डी बी, ये वाला एक कंडीशन बना, टोटल पर्सन कितने मेरे पास, फाइव पर्सन है ए बी सी डी ई,
और ई का कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं दोनों से भी, तो हम लोग आंसर कहेंगे कि दोनों से ही आंसर नहीं बन सकता, नाइदर स्टेटमेंट फर्स्ट नॉर स्टेटमेंट सेकेंड आर सफिशिएंट टू द आंसर क्वेश्चन. व्हाट इज द कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड? इफ ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड रेड. हमें पता है कि ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसका कलर होता है रेड, तो फर्स्ट में तो कहीं भी रेड को कुछ डिस्कशन ही नहीं किया, तो फर्स्ट से तो नहीं. सेकंड, इफ द व्हाइट इज कॉल्ड रेड एंड रेड इज कॉल्ड ब्लैक, मतलब ओनली सेकंड हो गए यहाँ से, ओनली सेकंड इज सफिशिएंट टू द आंसर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x - 3y, मतलब हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए इसकी, ये भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन. तो अगर हम लोग एक्स प्लस वाई और एक्स वाई को दोनों से अगर सोल्व करेंगे तभी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, तो मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट, हमारे पास ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है इसके अंदर सबसे पहले ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, मतलब 9 + 81, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर में 90 हो गया, तो फिर ये हो जाएगा 16 + 256, 272 है, तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 25, मतलब 650. ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. फिर यहाँ से अगर हम देखें तो इसका हाफ किया 4, 7 = 28, इसका हाफ किया 6, 6 = 24 × 6, 6 = 24 / 2, 6 = 12, 12 = 14, सही है, मतलब यहाँ जो नंबर होगा उसका हाफ ये होगा. तो सबसे पहले इसको यहाँ हमारे पास होना चाहिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बनेगा, मतलब यहाँ 12 होना चाहिए, तो 12 का हाफ हो जाएगा 6, 6 का ये, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33, इसमें सबसे पहले जो ये वाले नंबर से उनका स्क्वायर करके, जैसे 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 + 1 + 9 + 25, तो ये यहाँ से 25 और 9 हो गए, 34 × 35, 35 × 10, तो ये वाला नंबर बन गया. तो वैसे ही इसे कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो ये 1 + ये 9 और ये 16 और ये 25, 25, 25, 50, 51, 51 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये 3, 4, 7, 5, 6, 11, ये 17, तो 17 में हमारे पास ये दो ऑप्शन है, +2 + 2, 7 to 9, 9 to 11, 13 to 15, 15 to 17, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास 4 और 1, 5, 6 और 9, 15, 5 और 2, 7, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर. ए इज द सन ऑफ डी, ए इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ बी, एंड एफ इज मैरिड टू ए. एफ किससे मैरिड होगा? ए से मैरिड होगा, और ए के पेरेंट्स में ये लो डी. How C is related to F? How is C related to F? C is the brother of F. Option number first is a right answer. Ram walked 12 km to south from a fixed point. Then he turned to east and walked a distance of 4 km. Finally turns in a north and walked a distance of 9 km and stop. How far is Ram from his initial position? इनिशियल पोजीशन से हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा वो तो ये टोटल 9 है, तो ये 3 रह गया और ये 4, तो ये 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस हाउ मेनी 2s आर फॉलोड बाय 1 बट नॉट प्रेसिडेटेड बाय 4, मतलब सबसे पहली है कि हमारे पास 1 फिर 2 और फिर 4 नहीं होना चाहिए, ये वाली कंडीशन हमें चेक करनी है. तो सबसे पहले ये 2 है तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे हम लोग, ये वाला काउंट हम लोग करेंगे 2, क्योंकि इसके पहले 1 है फिर 4 नहीं है, फिर इसकी 2 को कंडीशन को काउंट नहीं करेंगे, इस 2 को कंडीशन को भी काउंट नहीं करेंगे, फिर इस 2 की कंडीशन को काउंट हम लोग करेंगे, फिर इस 2 की कंडीशन को काउंट हम लोग नहीं करेंगे, फिर इस 2 की कंडीशन को हम लोग काउंट करेंगे, फिर इस 2 की कंडीशन को काउंट नहीं करेंगे, इस 2 की कंडीशन को भी काउंट नहीं करेंगे, इस 2 की कंडीशन को काउंट करेंगे हम लोग, फिर ये वाला 2 है वो भी काउंट नहीं करेंगे, फिर ये वाला 2 वो भी काउंट नहीं होगा, ये वाले 2 के पहले 1 है और फिर ये 2 है तो ये भी काउंट होगा. तो अब हमारे पास टोटल ऐसे कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5,
तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय इंटरचेंजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू साइंस वुड मेक द इक्वेशन करेक्ट. अब इक्वेशन करेक्ट को करना है कि कौन कौन से सिंबल्स को है. तो पहले 51 डिवाइड तो एज इट इज ही रहेगा यहाँ से, फिर मल्टीप्लाई को माइनस में कन्वर्ट कर दो और माइनस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, प्लस 3 इक्वल टू 16, तो ये तो आ जाएगा 17, माइनस ये हो जाएगा 90, तो ये तो वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ऑप्शन तो फर्स्ट तो होगा ही नहीं यहाँ से. फिर हो जाएगा 51, अब डिवाइड को तो किस में कर दो, प्लस में, मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा, फिर माइनस 5 और प्लस को किस में कर दो, डिवाइड में, तो ये वैल्यू वैसे फ्रैक्शन में आएगी, तो ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा यहाँ से. फिर ये आ जाएगा हमारे पास 51 डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई तो आ जाएगा किस में, प्लस में, माइनस 5 और प्लस किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा 17 प्लस 14 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 15, तो ये हो जाएगा 16, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. What will be the angle between the hour hand and the minute hand of the clock at time 11:06? मतलब इसका फॉर्मूला है 11/2 इनटू मिनट माइनस 30 इनटू आवर. तो 11/2 इनटू मिनट कितनी है 6, माइनस 30 इनटू आवर कितना है 11, तो ये कटा 3, 33 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू रहेगा. अब इसमें से अगर मैं लेस करूं तो 297 माइनस का आ रहा है और ऑप्शन में 297 माइनस में है नहीं, तो हम लोग वही कंसिडर है कि वैल्यू है मोर देन 180, तो 360 में से 297 को लेस करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आई थिंक 63 रहेगा. हाँ 63 रहेगा, तो 63 ऑप्शन नंबर है फोर्थ. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन. वाटर इमेज हम लोगों को चाहिए, तो ये एम बनेगा, फिर ये 7 ऐसा कुछ बनेगा, फिर हमारे पास ये बी बनेगा, डी एज इट इज रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये वाला कंडीशन 5 का बनेगा और ये वाई का बनेगा और ये 9 का. ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बन रहा है क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया सीधा ही, ये 5 के कारण कैंसिल हो गया सीधा, और ये वाला भी अगर हम लोग कैंसिल करें तो ये वाला इस कंडीशन, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा इसका. ये वाले इसमें भी वाटर इमेज ही है, तो वाटर इमेज यहाँ से अगर मैं डिस्कस करूँ भाई, तो वाटर इमेज सबसे पहले ये वाली तो कंडीशन ऐसे, फिर ये वाली कंडीशन ऐसे, जिसमें दो एरो के साथ. ये वाला चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए क्वेश्चन फिगर इज अ गिवन द अल्टरनेटिव, चूज द अल्टरनेटिव विच वन इज द मोस्ट क्लोजली मिरर इमेज. बताना है इसमें मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट एट द फिगर, ये एट द फिगर है, एट द फिगर. अब सबसे पहले तो यहाँ से ये वाली कंडीशन आएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, सेकंड ऑप्शन कैंसिल, और ई का जो है वो ये वाला ई नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट है, यहाँ से भी मिरर इमेज ही बनाना है, तो ये वाला बॉक्स इधर आ जाएगा हमारे पास और ये वाला बॉक्स यहाँ आएगा हमारे पास, तो ऐसा ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर. द टू पोर्शन ऑफ अ सिंगल डाई आर गिवन बिलो, बिलो विच डिजिट विल बी एट द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग नंबर 4. मतलब 4 के अपोजिट बताना है, तो 1, 3, 4 कॉमन ही है, तो कॉमन का अपोजिट तो हिडन नंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. अ क्यूब पेंटेड रेड ऑन ऑल फेसेस आर कट इन टू 27 इक्वल क्यूब्स. मतलब नंबर्स ऑफ स्मॉल क्यूब होता है हमारे पास एन क्यूब, और एन क्यूब का वैल्यू दिया हुआ 27, तो एन की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 3. हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली. तो वन फेस ओनली का फॉर्मूला एन माइनस 2 का होल स्क्वायर इन टू 6, तो एन का वैल्यू है 3, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इन टू 6, तो ये 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. एक्स रेशियो वाई इक्वस टू 3 रेशियो, मतलब एक्स रेशियो वाई इक्वस टू 3 रेशियो 7 दे रखा है हमें. अब ये इक्वेशन वैल्यू हमें दे रखी है, तो इसको सबसे पहले मैं वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो 2x प्लस वाई और इस प्लस 3 कर देते हैं, और यहाँ से आ जाएगा 5x बाई वाई माइनस 2. अब x बाई वाई की वैल्यू रख देंगे 3/7, तो 2
थ्री बाई सेवन का मतलब हो जाएगा 6/7+3 और ये आ जाएगा यहाँ से 15/7-2, तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 और 21 7 और ये आ जाएगी 15 7 14 मतलब 1/7 7 से 7 कैंसिल 21 और 6 कितना होता है 27 ऑप्शन नंबर फोर्थ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ परफेक्टली डिविजिबल बाय द ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फॉर 1 to 10 ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर 2520 द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर मतलब है Z to A देन विच लेटर विल बी द फोर्थ लेटर लेफ्ट टू जे मतलब हमें बताना है कि कौन सा लेटर जे के फोर्थ लेफ्ट में होगा तो जे के फोर्थ लेफ्ट में जे का लेफ्ट इधर ही तो होगा इसका 10 है इसका फोर्थ लेफ्ट का मतलब है +4 किया तो n और दूसरी बात ऐसे भी कर सकते हैं जे के एल एम एन ये तो बताना है ना इसका फोर्थ लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ n ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर नेक्स्ट है इफ 1 January 1972 वाज सैटरडे तो 1 January है 1972 तो 1972 इज अ लीप ईयर और नॉट ए 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 × 4 = 4 और ये कितना रह गया 4 = 8 मतलब हो रहा है डिवाइड तो लीप ईयर है और लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 0 फिर 1700 to 1900 में कोड हो जाएगा 300 रिमाइंडर तो 0 और अगर मैं इसके बात करूं तो 18/7 ये तो ना तो 7 × 2 = 14 रिमाइंडर 4 और ये हो जाएगा 10 times रिमाइंडर 2 4 × 2 = 6 और 1 = 7 0 का सैटरडे होता है 31 दिसंबर हमारे पास कोड जो दिसंबर का रहता है सितंबर और दिसंबर का कोड रहता है 6 मतलब ऐसे रहता है ना कि जा फमन जा अंबर तो 1406 मतलब तो दिसंबर का कोड यहाँ से कितना रहा 6 फिर ये 70 अब 1900 में 400 से डिवाइड रिमाइंडर 300 का 0 और अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 17 टाइम्स ही डिवाइड होगा 4 का मैक्सिमम क्योंकि 18 × 4 = तो 72 रहता है तो डिवाइडेड बाई 7 तो 10 टाइम्स हो गए यहाँ से 7 × 2 = 14 रिमाइंडर 3 और ये हो जाएगा यहाँ से 34 35 कैंसिल हो गया मतलब रिमाइंडर कितना रहा 5 और 5 का होगा थर्सडे ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर ओके थैंक यू